हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम क्ले से बनाने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडल होल्डर, या फिर उसे एज अ ज्वेलरी होल्डर भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें हमें बहुत मिनिमम चीज़ें चाहिए, लाइक हमको सिर्फ मोल्डेड क्ले चाहिए, अपनी पसंद के लीव्स चाहिए, क्राफ्टिंग नाइफ चाहिए और हमें पाउडर चाहिए होगा। सो ये सब लेने के बाद हम दोनों मोल्डेड क्ले के पैकेट को खोल लेंगे और उसको बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। जैसे ही आपका क्ले अच्छे से मिक्स हो जाता है, सो आपको कोई भी एक राउंड चीज़ ले लेनी है। मेरे पास ये वेस्ट बॉटल पड़ी थी तो मैंने वो ले ली। सो इस बॉटल की हेल्प से हम वो साइज़ कर लेंगे जो रिक्वायर्ड साइज़ होगा हमारा। सो मेरे को ये छोटे साइज़ का चाहिए था तो मैंने छोटे साइज़ का रोल किया है। एंड इसके बाद मैं इसे प्रेस कर लूँगी बॉटल की हेल्प से, तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर देना है हमें, तो ये अच्छे से ट्रेस हो जाएगा इसके ऊपर। देन क्राफ्टिंग नाइफ की हेल्प से हमें धीरे धीरे पूरा कट कर लेना है। सो ये प्रॉपर आपको लीफ का जो टेक्सचर है वो क्ले में आ जाए। इसके बाद आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए जिसका शेप आपको देना होगा क्ले को। मुझे एक छोटा सा कटोरी टाइप देना था तो मैंने वो मटके के ऊपर रख दिया। देन सेम प्रोसेस मैंने रिपीट किया, क्योंकि मुझे चार पांच ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो मैंने सेम प्रोसेस रिपीट किया है 4 से 5 बार। और ये मेरे सारे ऑब्जेक्ट रेडी हैं। इनको 1 आवर लगा था ड्राई होने के लिए। मैंने 4 टाइप के लीव्स बनाए हैं। एंड देन मेरी क्ले थोड़ी बच गई थी तो मैंने मैग्नेट बना दिया है। अब मैंने इसके पीछे मैग्नेट की शीट आती है, 140 की पूरी शीट आएगी, वो कट करके लगाई है ताकि मैं इसे किसी भी फ्रिज के ऊपर या फिर कोई भी कवर्ड मेटल के कवर्ड पर लगा सकूँ। फिर उसके बाद मैंने एक जेसो का एक कोट दे दिया है सबको, ताकि जो भी मैं कलर करूँ वो अच्छे से लग जाए इस पर। Thank you.
यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.